मुद मंगल में संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मानव का जीवन मिला है इतना सुनहला अवसर है। इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, परस्पर में प्रेम का अनुभव हो, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव हो और समृद्धि का भी अनुभव हो, तभी जीवन की सार्थकता है। जीवन को जब हम बिना समझे जीते हैं तो फिर मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है। बेतरतीब जीवन एक, दूसरा है व्यवस्थित जीवन, संतुलित जीवन। जिस जीवन को तराशा गया है, संवारा गया है, निखारा गया है, वह जीवन। आप कभी किसी गार्डन में गए होंगे और वहां माली ने जो पौधों को तराशा है, उन पौधों को देखिए कितनी सुंदर आकृति बनाते हैं। कोई गार्डन बिल्कुल सिस्टम से, जहां हरियाली है, कोई कचरा नहीं, पौधे भी बहुत बढ़िया लगे हैं और सभी पौधों को सुंदर सी कटिंग की गई है, मन आकर्षक लगता है। और एक दूसरा गार्डन हो जहां ऐसा लग रहा हो जैसे उजड़ा हुआ है, पौधों को तो तराशा ही नहीं गया है, ठीक से सिंचाई भी नहीं हुई है और कचड़े यत्र तत्र पड़े हुए हैं, स्वच्छता भी नहीं है, वहां बहुत देर तक रहने का मन नहीं करेगा। लेकिन जहां गार्डन को सुंदर बनाया गया है, वहां देर देर तक रहने का मन करता है। क्या हमने अपने जीवन को तराशा है, जीवन को संवारा है? क्या हमारे जीवन को तराशने और संवारने के लिए किसी दूसरे के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन आएगा? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप कहेंगे जब भगवान कृपा करे तब हो पाएगा। आप भगवान कि कृपा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पहली बात तो यही है, इतनी बड़ी कृपा है, उस कृपा को ग्रहण करना ग्रहणशीलता नहीं होगी ना तो क्या होगा? ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है। कबीर साहब ने पंक्ति कही है, औंधे मुंह औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीते सीधे सो जल भरिया। राजस्थान की एक संभवतः छोटी घटना है, पानी के लिए बड़ी किल्लत होती है और पानी भी आता है तो सप्ताह में दो बार या तीन बार तो पानी स्टोर करना होता है। और जिस दिन पानी आना होता है, बहुत सुबह ही भोर ही लाइन लग जाती। एक बूढ़ी माता थी, वो फर्स्ट नंबर पर लगाई थी और अपना वो घड़ा रख दी थी। अंधेरे में पानी आना था, सुबह का समय था, अंधेरा था और काफी लंबी लाइन लगी थी। अच्छा, पानी आ भी गया और उसने कहा, जब तक मेरा घड़ा नहीं भरेगा मैं नहीं हटाऊंगी। अब बूढ़ी माँ कौन कुछ बोले, ठीक है भाई आप भर लो। अब पानी आ गया, जिस घड़े को भरने में एक मिनट से डेढ़ मिनट लगना चाहिए, पांच मिनट से ज्यादा हो गया। अरे क्या हो गया, उसका घड़ा कैसे नहीं भर रहा है, इतनी देर लगा दिए। अब तब तक थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आने लगा, देखो तो यार भाई घड़ा क्यों नहीं भर रहा, इतनी देर पांच पांच सात सात कई घड़े भर जाते हैं। तो बूढ़ी माता ने क्या किया था, घड़े को उल्टा रख पाया था, ऊपर मुंह होना चाहिए ना, उल्टा रखा था।
ये प्रकृति के द्वारा जो वरदान है, जो कुदरत से वरदान मिला है, जिसे आप भगवान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उस वरदान को देख पा रहे हैं? क्या उसे महसूस कर पा रहे हैं? इतनी बड़ी जमीन पृथ्वी है पूरी तरह से, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? पानी अथा पानी है सर्वत्र, हवा बहती है, रोज ऑक्सीजन आप लेते हैं, रोज ऑक्सीजन, रोज क्यों कहूं, हर समय, सच तो यह है ना, बिना ऑक्सीजन कैसे रहेंगे? अच्छा क्या उसका टैक्स देना पड़ रहा है आपको ऑक्सीजन का? जैसे बिजली का बिल भरते हैं ना, बिजली का, क्या ऑक्सीजन का भी आप बिल भर रहे हैं? मैं बताऊं, यदि सचमुच यदि ऑक्सीजन का बिल भरना पड़े ना, अच्छा बिल कैसे, कितना भरना पड़ेगा? यहाँ पर एक मीटर लगा दें बिल्कुल नाक के पास में, और जितना ऑक्सीजन जाएगा, हवा जाए, उसका वो मीटर रीडिंग कर देगा आपको कितना देना पड़ेगा। तो आप कुछ दिनों के बाद अपने बच्चों से कहेंगे, अरे ऑक्सीजन कम लो, बिल ज्यादा आ रहा है, डांटेंगे, सही है ना? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कृपा कम है। कुछ समझ पा रहे हैं इस चीज को? बारिश हो रही है, हवाएं चलती हैं, रोज भोजन कर रहे हैं, सारी व्यवस्था इतनी सुंदर है, लेकिन हम सबके मन में शिकायत बना रहता है। कोई भगवान नहीं आने वाला है, ये आप समझ लो, कि आपके जीवन को दुरुस्त करने के लिए। आप थोड़ा सा समझे इस चीज को। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपको अपने जीवन को किसी से जोड़ना नहीं है, जीवन को किसी से जोड़ो मत, जीवन को खुद से जोड़ो, जीवन का अध्ययन जीवन में ही करो, जीवन की पोथी को बांचो। बाहर के शास्त्रों का पढ़ना इसका क्या अर्थ है? जब बाहरी पोथी जितनी है ना, उसका एक ही काम है, चाहे किसी भी मतपंथ की हो, कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे वो वेद हो, जिंदा वेद, कोई भी शास्त्र हो, गीता का हो, बीजक का हो, जो भी नाम ले लो, वो सारे शास्त्र का एक ही काम है, क्या? आपको आपकी जीवन पोथी को पढ़ने का ढंग बता दे। हमें हमारी पोथी को पढ़ने का, जीवन की पोथी को पढ़ने का ढंग बता दे। बस खुद को पढ़ना है अपने जीवन की पोथी को, और जब तक उसे आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक जीवन में दुख ही रहेगा, अशांति ही रहेगी, पीड़ा ही रहेगी। क्यों रह रही है? इसीलिए ना कि हमने उसको समझा ही नहीं है, जीवन को काम कैसे करता है ये। मैंने कहा ना, किसी मत से, किसी पंथ से, किसी देवी से, किसी देवता से, कि ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से, और साधु संतों से भी। मैं तो साधु कपड़ा पहनू, मैं कहता हूं मेरे से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से जुड़ना है, क्योंकि मैं यहां हूं, कल वहां हूं, कहां तक जुड़े रहेंगे आप? किसके साथ जुड़े रहेंगे आप? आपको देखिए, अभी मैं एक चीज पूछूं आपको, आप लोग अपने अपने घर छोड़कर आए यहां, अपने परिवार छोड़कर भी आए, गांव छोड़ करके आए, तो क्या आप अपना स्वभाव छोड़ करके आए हैं? आप अपने मन को छोड़कर आए हैं? अपने विचार छोड़कर आए हैं? वह जहां आप जाएंगे, वे सब साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए उसे ठीक करना है जो आपके साथ है, आपके जीवन से संबंधित है, जो हर समय आपके साथ है, उसे ठीक करो, और उसे ठीक करते ही जीवन में बदलाव आ जाता है। और जैसे जीवन में बदलाव आता है, जीवन का रिजल्ट बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। हम जोड़ रहे हैं उसके उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ देवी देवताओं को मानकर करते हैं, करते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर का है, बहुत ही ऊपरी है, बड़े ऊपर, जैसे कोई एक तालाब हो, ऊपर में जैसे ऊपर हरियाली छा रही थी, घास शैवाल वगैरह रहते हैं, वैसे ऊपर का लेवल है। असली चीज भीतर है, आप ध्यान दो, असली चीज भीतर है, उसे समझना जरूरी है। कबीर साहब जी का सिद्धांत क्या है? सदगुरु कबीर ने वस्तुतः कहा क्या है? कुछ बातें पर मैं कहूं, जैसे उन्होंने एक बात जो खास रूप से सिद्धांत को अलग उनका करता है, वह यह है, उन्होंने किसी ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड को
मनुष्य से अलग नहीं माना, मनुष्य नहीं प्राणी से अलग नहीं माना है उन्होंने। ये थोड़ा अंतर है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और कुछ लोग मानते हैं आत्मा से अलग परमात्मा है। आत्मा यहाँ है, परमात्मा कहीं अलग है, वो मिलेंगे। कबीर साहब कहते नहीं, बाहर से मिलने वाला परमात्मा नहीं हो सकता है, जो ऑलरेडी मिला ही है वही परमात्मा है। कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है। हम लोग भी कहते हैं ना कण कण में भगवान, कहते हैं सुने कभी कण कण में भगवान। मुसलमान बंधु कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। कुछ समझ में नहीं आता है। अब यह सच है, अच्छा मंदिर में भगवान है कि बाहर भी भगवान है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, मतलब दुविधा में है। अच्छा मैं एक उदाहरण बताऊं। एक आदमी सूटेड बूटेड सिगरेट पीकर पीते पीते मंदिर की ओर गया, पूजा का भी सामान रखा था। जैसे ही मंदिर के नजदीक पहुंचा, दरवाजे के पास में सिगरेट को बुझा दिया, फेंक दिया, जूता उतारा, मंदिर के अंदर गया और जो भी उनके उनके ढंग था, रीति रिवाज, पूजा उपासना, जो भी अपना मंत्रोच्चार किए, पूजा किए, जो भी सिस्टम था उसने किया। कुछ देर मंदिर में बिताया, लौट करके बाहर आया, जूता पहना, फिर से सिगरेट जलाया और चला गया। चलते चलते मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि वो सिगरेट मंदिर के अंदर क्यों नहीं पी रहा था? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मंदिर के अंदर सिगरेट क्यों नहीं पी रहा था? आप क्या कहेंगे? अरे वहां भगवान था ना, कहेंगे नहीं, वहां भगवान था तो इसलिए सिगरेट नहीं पी रहा था। इसका मतलब वो चार दीवारी जो मंदिर में चारों तरफ बनी हुई दीवार बनी हुई है और एक मूर्ति रखी है, कोई फोटोग्राफ्स है, कुछ भी है, केवल भगवान वही है, केवल भगवान वही है, तभी तो वहां जाकर के सिगरेट नहीं पी रहे थे। तब कहेंगे नहीं नहीं, भगवान तो सब जगह है। क्या कह रहे हैं? सब जगह। अच्छा सब जगह है मान लो, तो फिर जब सिगरेट आप मंदिर में नहीं पी सकते, बाहर क्यों पी रहे हैं फिर? ये सब जगह भगवान है ना, तो बाहर क्यों नहीं पी रहे हैं? क्या मार रहे हैं? पता है ना। अब आप या तो वही मार रहे हैं केवल, ये एक थोड़ी है कि नहीं दुविधा वाली बातें। बाहर यदि आप कहते हैं, बाहर यदि सिगरेट पी सकते हैं तो फिर आप मंदिर में भी पी सकते हैं। अच्छा प्रयोग करके भी देख लेना कभी, सही है ना? और अंदर वाले लोग सिखा भी देंगे आपको, ठीक से धुलाई भी कर देंगे, सही है कि नहीं? क्यों? जब वहां आपको पवित्रता दिख रही है, किसी मूर्ति में दिख रही है परमात्मा, बाहर क्यों नहीं दिख रहा है? बाहर भी तो है। सदगुरु कबीर का क्या कहना है? घट घट मेरो साईया, मैंने पंक्ति कही थी कल, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सबके हृदय में जो वास कर रहा है इसी को परमात्मा मानो, तब क्या होगा? आप किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? अरे भाई परमात्मा इसके अंदर है, क्यों मैं उनके साथ छल कपट करूं? क्यों उनके साथ लड़ाई झगड़ा करूं? क्यों उनको धोखा दूं? लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर में जाकर के घंटों पूजा कर लेंगे या घर में ही बैठ करके पूजा कर लेंगे, लेकिन जब दुकान में जाएंगे तब क्या करते हैं? समझ रहे हैं? क्या करते हैं? वही मिलावटबाजी करेंगे, तौल कम करेंगे, भाव थाव में अंदर डालेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं, तो पूजा किस काम की? आप केवल मंदिर परिसर में भगवान मान रहे हैं, लोगों को आप भगवान नहीं मान रहे हैं, देवी देवता नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपका भाव जगेगा, नहीं सब प्राणी में, ये गोस्वामी जी ने भी बात की, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, उन्होंने नहीं कहा केवल मंदिर में, उन्होंने कहा केवल मस्जिद में, कभी मूर्ति में, सब जग। ये गोस्वामी जी ने कहा है, कभी ने तो कहा है घट घट में वो बसा हुआ है कहा करके, वो घट घट में जिस दिन आपके भीतर ये आ जाएगा। अच्छा हम लोग क्या मानते हैं? परमात्मा जैसे नाम आया, ईश्वर आया,
किसी व्यक्ति की हम लोग कल्पना करने लग जाते हैं। और व्यक्ति जैसे वो फोटो में है, जैसे वो मूर्ति में है, आप पूरी सत्ता को समझें, पूरी सत्ता को समझें। गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, नियम ही ईश्वर है, नियम ही ईश्वर है। जैसे ये दुनिया चलती कैसे है, कैसे चलती है दुनिया, आज से यदि 50, 60 साल, 100 साल पहले पूछते तो कुछ लोग कह देते भगवान चलाता है, और आज नहीं चलने वाला है ये उत्तर, आज नहीं चलेगा, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने लग गए हैं, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो दो गति है दिन और रात, एक गति से दूसरी से मौसम का परिवर्तन, पता है ना 365 दिन लगते हैं, फिर चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी का, इसी से ग्रहण इत्यादि होते हैं, ये सब पता है नियम से। एक पत्थर ऊपर फेंके नीचे आ गया, अच्छा क्यों आ गया, अच्छा आज बताना है, कोई ढकेला है ऊपर से पानी डाले और नीचे की ओर बहने लग गया, क्यों बहने लग गया, आग जलाए ऊपर चलने गया, क्यों चला गया, नियम है ना, सब नियम है। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, पानी में डालोगे शीतल होगा, क्यों होगा, कितना सरल है इस चीज को समझना, ये सब क्या है, नियम है। बारिश क्यों होती है, भगवान बरसाता है इंद्रधनुष, वो इंद्र भगवान बरसाता है, अच्छा बारिश नहीं तो इसलिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से बारिश होती है, सोचो तो सही इस चीज को, यज्ञ करने से बारिश होती है, पूजा से बारिश होती है, मतलब ये सारी चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बस लिए जा रहे हैं एक दूसरा, अच्छा बाहर मानते हैं, चलो एक चीज मैं देखता हूँ, एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, सुबह सुबह डोर बेल बजता है घर की घंटी, बाहर से बटन दबाया घंटी बजी, आप उठे दरवाजा खोले तो एक बड़ा सूटेड बूटेड आदमी आया और कहा आप कौन है, मैं कृष्ण हूँ, अच्छा कौन कृष्ण, अरे जिसकी रोज पूजा करते थे, जिसको रोज कहते थे कि मुझे दर्शन दो कह करके मैं आया हूँ दर्शन देने के लिए, अच्छा कृष्ण आप हैं, तो वो समझ गए हो सकते मर्डर ना कृष्ण हो, नए ढंग से होंगे भाई, स्टूडेंट वूडेंट आए हैं, तो कहा देखो मैं वही कृष्ण हूँ जिसकी आराधना कर रहे थे, मैं आया हूँ, इतनी आपके पूजा और इतना श्रद्धा को देखा और आ गया, तो फिर अब एक काम है मैं बताता हूँ, अब ऐसा सिस्टम है कि आप और मैं एक दूसरे को देख पाएंगे, लेकिन कोई नहीं देख पाएगा हम दूसरों, हम दोनों को, मुझे खास करके, मुझे कोई नहीं देख पाएगा इनके बाजू में कोई कृष्ण है, और आवाज आप और हम एक दूसरे को सुनेंगे, मेरी आवाज को कोई दूसरा नहीं सुन पाएगा, कोई दूसरा नहीं पाएगा, अर्थात मुझे कोई नहीं जानेगा कि साथ में खड़े हैं, लेकिन आपको पता है, आपको हमेशा पता रहे, क्योंकि बाजू में रहूंगा मैं हर समय बाजू में रहूंगा, जहां आप रहेंगे हर समय मैं खड़ा रहूंगा, जी की दिखाओ जरा, ऐसा हुआ तो जी की दिखाना, कैसे जी पाओगे पता है, दुकान में गए और भाव बताने लगे, और कृष्ण बाजू में खड़े ना, ध्यान रखना कृष्ण बाजू में खड़े हैं, कैसे भाव बताओगे, पता है ना कृष्ण बाजू में खड़े हैं, बहुत देर से लौट कर आए गए और पत्नी पूछती है इतनी देर क्यों किए, बताओ कृष्ण खड़े हैं अब बाजू में, ईमानदारी से जी पाओगे, ये सारी घटनाओं को देखिए आप जी नहीं पाएंगे, अच्छा जी पाएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा, फिर तो सचमुच इस चीज को समझ पाएंगे ना, तो आपका जीवन इतना बढ़िया हो जाएगा बदल, क्योंकि हर समय आप देख रहे हैं नहीं कृष्ण है, क्योंकि मुझे गलत नहीं करना है, मुझे शराब नहीं पीना है भाई, कृष्ण खड़े देख रहे हैं, मुझे छल कपट नहीं करना है, कृष्ण खड़े हैं, जब आप क्रोध कर रहे हैं और कृष्ण देख रहे हैं, हाँ ठीक है ना, मंदिर में कुछ अलग चेहरा, यहाँ तो कुछ अलग चेहरा है, कृष्ण सब देख रहे हैं, कर पाओगे, आप तो मार रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन को, आप इसी प्रकार देवी देवता भूत प्रेत आप ये समझो, एक ही चीज समझो जो सद्गुरु कबीर ने कहा है, अच्छा कबीर नहीं कहते, मैं सच बता रहा हूं, कबीर ने तो वही कहा है जो हो रहा था, कबीर ने कोई नियम कोई सिद्धांत कोई नई रचना नहीं कर दिए, जो था वो उन्होंने कहा, एक सखी उनकी बहुत प्रसिद्ध है जिसको आप लोग सुने होंगे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से, याद है कि नहीं,
अच्छा याद नहीं था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लो सब लोग, बड़े काम के है पंक्ति। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे। सुने हैं, अपना कर्म अपना फल अपना, आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये सुने होंगे ना, या ये भी सुने होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है सुने गीता का ज्ञान। मैं थोड़ा भिन्न विचार रखता हूँ, मैं ये थोड़ा सा अलग विचार रखने वाला हूँ। ये तो समझ में बात आती, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, लेकिन ईश्वर फल देगा ये गीता में कहा गया है, ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छा ईश्वर को क्यों ला रहे हो बीच में, ईश्वर को क्यों ला रहे हो बीच में, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैंने कहा ना नियम से होता है सब कुछ। आप हाथ को जब पत्थर पर पटकेंगे और हाथ में दर्द होगा, आग में डालेंगे हाथ जलेगा और दर्द होगा, क्या उस दर्द को देने के लिए कोई ईश्वर आया है? क्या उस दर्द को देने के लिए ईश्वर आया है? अपने आप हुआ कि नहीं हुआ है? अपने आप हुआ है, सीधी सी बात है ये। आप चोरी करके लाओ कोई चीज, किसी की हिंसा कर दो, किसी को मार दो, उसके बाद आपकी मन की दशा क्या होती है? जब आप क्रोध में उबलने लगते हैं उसके कुछ देर के बाद में मन की दशा कैसी होती है आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं? महसूस तो कर पा रहे हैं ना कि क्या होता है? या फिर इसको दूसरे ढंग से देखें, जब आप किसी को दान करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तब क्या मन की दशा होती है? किसी को मीठे शब्द में उत्तर देते हैं तब मन की क्या दशा होती है? किसी की सेवा करने के बाद मन की क्या दशा होती है? जीवन को पढ़ो तो सही, किताब कब तक पढ़ोगे? ये बता रहा है जीवन, यह करने से मुझे यह महसूस होता है। जब जब मेरे जीवन में गलती होती है, मेरे से गलत कर्म होते हैं, मुझे भीतर वाला कचोटता है, तुमने क्यों किया चोरी मैंने की क्यों? कोई न जाने, कोई न जाने, कहते ना कोई ना देखे, देखे ईश्वर देख रहा है। ईश्वर का देखने का मतलब आपकी आंखें देख रही हैं। आप गलत करें दूसरा कोई नहीं जानेगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना, और आपका जानना ही आपको जीवन को तकलीफ देने वाला है, वही परिणाम लाने वाला है, आप जानते हैं। इसलिए जिस दिन आप अपने आप के साथ रहना शुरू करेंगे, जिस दिन आप खुद भीतर वाले को समझेंगे, नहीं मुझे नहीं करना, मैं शांत नहीं रहता हूं, जब मैं गलत करता हूं तो मैं भीतर से अशांत हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, भीतर से मैं पीड़ित हो जाता हूं, इतना सा काम करने लग जाओ मैं स्वयं को पीड़ा देना बंद कर दूं, स्वयं को तकलीफ देना बंद कर दूं, और ये चीज इन चीजों को जो नहीं समझता है ना, क्या होता है इन बातों को जो नहीं समझता है कि मुझे जो कुछ अपने जीवन में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, यह आदमी नहीं समझता है तब क्या होता है? इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। एक चीज आज मैं बताना चाहता हूं, वो क्या है? वो छोटा सा सूत्र है, आप अपने जीवन के 100% जिम्मेदारी लें। आपको क्या करना है, एक ही काम करो जीवन को बदलने के लिए। क्या कहना है? सुबह उठो और कहो मैं अपने जीवन का 100% जिम्मेदार हूं। अच्छा जिम्मेदार होने का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, सुख दुख हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, स्वास्थ्य बीमारी, धनी और गरीबी, जो भी आपके जीवन में आ रहा है रिजल्ट, जो भी हो रहा है, संघर्ष है प्रेम है, उसके लिए आप दूसरों को दोष नहीं देते। जिस दिन आपने दूसरों को दोष देना बंद किया, जीवन उसी क्षण अप होना शुरू करेगा, उसी दिन से। और जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आपकी प्रगति संभव ही नहीं है, हमेशा समझ लो। अच्छा केवल मैं कह रहा हूं क्या इस चीज को? अच्छा कबीर की पंक्ति याद है? नहीं, सबको याद है, अभी मैं कहूंगा ना, हाँ हाँ याद तो है, सही है, बिल्कुल याद है, कहूं बुरा जो ढूंढन, याद है कि नहीं है? कब से पढ़ते आ रहे हैं? कक्षा 3 से। बुरा जो ढूंढन, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना,
मुझे सा बुरा ना कोए। और कैसे बताएंगे सदगुरु कबीर, और कैसे बताएंगे? आपके जीवन को सुधारने के लिए, उपदेश करने के लिए बुद्ध को आने की जरूरत नहीं है, कबीर को आने की जरूरत नहीं है। और यदि आ भी जाए और आप नहीं बदलेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपकी जरूरत है बस, आपने संकल्प लिया मैं अब अपने जीवन को बदलूंगा, और किसी दूसरे के सहारे के बिना। अच्छा, सहारा का मतलब सत्संग सहारा है, सदग्रंथ सहारा है, संत सहारा है, जो रिश्ते में भी अच्छे लोग, अपने ही परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सब सहारा देने वाले हैं। क्या आप सहारा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसे सचमुच चीज लेने के लिए तैयार हैं? और तैयार है सब सहारा देने वाले। और यदि आपने इसके लिए कोई सोचा नहीं, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। वो सारी चीजें आपके जीवन में उपयोगी हो जाती हैं और आपके जीवन को उत्थान की ओर ले जाती हैं, सारी चीजें। और यदि ध्यान नहीं दिए तो आपकी वो सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, जो आपके जीवन को पतन की ओर ले जाए। ऐसी चीजें भी हैं जो आपको नीचे की ओर ढकेल दे। और यही होता भी है। जब जीवन में हमारे दुख आते हैं, अशांति आती, पीड़ा आती है, बीमारी आती है, तो हम कहाँ चले जाते हैं? टोना टोटका, दुआ भभूत, ताबीज, ये मंदिर, वो तंत्र, वो मंत्र, वो माला, वो नदी में जाके नहाओ, वो टोटका करो। टोटका से जीवन ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा? तब तो सारे अस्पताल बंद कर देना चाहिए ना। फिर क्या होता है ये? क्यों? समझ के अभाव में है। कई जगह देखो तो लाल धागा पहने हुए हैं। अरे आजकल तो एक नया फैशन शुरू हुआ है, काला धागा पैर में पहनने का। मैं कई बार देखता हूँ काला धागा पहनने का। अच्छा, काला धागा क्यों पहने रहते हैं? मैंने कभी पूछा कि अच्छा वो पहनते, मैं भी पहन लिया, किसी ने दे दिया है। एक बात पूछूं आज काला धागा वालों से या लाल धागा वालों से, जो जो काला धागा पहने या पहनाते हैं बच्चों को, क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? गारंटी है उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आप कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी उनके जीवन में? क्या सच है ये? अच्छा, कभी उनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? कितना भ्रम है। काला धागा पहनने से आप जीवन को ठीक करने वाले हैं? ये ताबीज, ताबीज पहन करके, गुल्ली ताबीज, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को पहनाए रखते हैं। आश्चर्य, शुरू से उनको भयभीत करते रहते संस्कार। बेचारा इतना पवित्र छोटा बच्चा, भगवान का रूप है, कहते ना भगवान का रूप है, उसके मन में भय, वो गलत, अरे वो टोनही है, वो टोनहा है, उनके घर मत जाना। अपने कचड़ा को क्यों डाल रहे हो बेचारे पवित्र आत्मा में? आप वहां जा रहे हैं, उस मंदिर में, उसमें जा रहे हैं, आप अपने को तो ठीक करो खड़े होकर के। और बहुत लोग अंगूठी पहने रहते हैं, क्यों पहने रहते हैं? नग है ना, वो ग्रहों को बांधे रहते हैं। अंगूठी के पहनने से आपका ग्रह सीधा हो जाएगा? किसने बताया? ये तंत्र मंत्र वाले लोग इतना भटकाते हैं। और आजकल तो टीवी में बकायदा उसका आता है, टीवी में। और सदगुरु कबीर ने क्या कहा? बहुत सारे कबीरपंथी भाई बैठे होंगे, लेकिन कबीर के रास्ते को तो छोड़ ही दिए हैं, सच बताऊं तो मैं। हाँ, केवल नाम का कबीरपंथी है और काम कहूं थोड़ा कठोर है, लबीरपंथी, क्षमा करें, मुझे नहीं कहना था, लेकिन सच है ये। कबीर साहब जी ने कहा है, राह बिचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मारक छोड़ के रहे उजार उजार। रास्ता तो बताए ऐसे गुरु कबीर, पंथ रास्ता बता दिए हैं। आप उस सही रास्ते पर न चल करके गलत रास्ता पकड़ लो, भटकोगे ना, भटकोगे। और सबसे बड़ी गलती कहां हो रही बताऊं? आप कबीर के विचारों को पढ़ते ही नहीं। सच है, साहब ने साफ शब्दों में कहा है, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोय, सार शब्द जाने बिना हंसा गए भी होए। आप किसी की पूजा करेंगे, किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मनाएंगे, और आपका बिगड़ा है कर्म, आपने पाप किया है, क्या आपके बिगड़े हुए कर्म को सुधार देगा? मैं पूछ रहा हूं आपको, आपने कर्म गलत किया, कर्म बिगड़ गए, गलत हो गया है, पाप कर लिया है, अब आप पूजा करेंगे, आप उपासना करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, क्या वो ठीक हो जाएगा? कोई आएगा ठीक करने के लिए उसको? मैं एक कहानी बताऊं। एक घर, जिसके घर के अंदर ही वो लोग मंदिर बनाए थे,
कहीं कहीं देखे होंगे ना मंदिर ऐसे, आज तो आजकल रेडीमेड भी बन के आता है जिसमें मूर्तियों को रख देते हैं, या आप घर में कहीं ऐसे ताक बना करके बहुत सारे। और अच्छा आश्चर्य है, आजकल कहीं कहीं घर में जाता देखता हूँ बहुत प्रकार के देवी देवता रखे रहते हैं। वहां हनुमान भी है तो दुर्गा जी भी है, कृष्ण है तो राम, अच्छा कबीर साहब भी वहीं बैठे, फिर गुरुदेव जी भी चित्र देखते हो। मैंने कहा भाई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो किसी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कभी कोई समस्या आए और हम आवेदन करें तो कोई छुट्टी में हो तो दूसरा काम करेगा ना भाई, सबको सब रहना भी चाहिए, सही है ना, तो भाई कोई रहे तो कुछ तो ध्यान में रखो, तो सबको रखते इसलिए कोई नाराज ना हो, तो सब देवी देवताओं को रखे हैं। तो वो भी ऐसे मंदिर बना करके पूजा करता था, फिर उसकी पूजा को देख करके मम्मी पापा की पूजा देखकर, छोटा बच्चा था उसने पूछा मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो। अच्छा बच्चों के प्रश्न होता है कि नहीं प्राय, भगवान की पूजा क्यों करती हो, क्यों प्रार्थना करती हो। उसने कहा बेटा भगवान सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता, सब जगह है, सब कुछ कर सकता है, वह बिगड़े काम को भी बना देता है। ये बात बच्चे के मन में बैठ गई, बिगड़े काम को बना देता है, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन से प्रार्थना शुरू बच्चे की, ऐसा हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था और अंदर अंदर में कुछ मंत्रोच्चार कुछ पता नहीं क्या करता था। दो तीन दिन के बाद माँ ने पूछा बेटा अच्छा तुम भी प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा तुम क्या मांग रहे, अच्छा प्रार्थना क्या करते हो। कि मम्मी आप ही ने तो कहा था ना भगवान बिगड़े काम को बना देता है। हाँ बना देता है। तो मम्मी क्या हुआ है, पिछले सप्ताह में स्कूल में टेस्ट हुआ, अब परीक्षम क्या पूछा गया, परीक्षम पूछे थे कि भारत की राजधानी कहाँ है और मैंने धोखे से लिख दिया हूँ रायपुर। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ हे भगवान रायपुर काट के दिल्ली बना दो, रायपुर काट के दिल्ली बना दो। अच्छा भगवान करेगा कि नहीं, अच्छा आप लोग क्या उत्तर देंगे, बताइए ना मुझे, अच्छा बना देगा कि नहीं दिल्ली, नहीं बनाएगा तो आपके बुरे कर्म को काटने के लिए आ जाएगा छोटा। अच्छा आप कहो निश्चल प्रेम से करो, अच्छा बच्चे के समान निश्चलता है आप में है, हिम्मत कोई कह सकता है, उस बच्चल बच्चे में जो निश्चलता है, जो प्रेम है, जो समर्पण है, क्या आप लोग दिखा सकते हैं, क्या वो छलकपट से कर रहा है, वो ईमानदारी से कह रहा है, सचमुच उन्होंने गलत लिख दिया था, अनजाने में लिखा, अब पता चला, अरे नहीं भाई रायपुर नहीं दिल्ली लिखना चाहिए था। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो कर देना चाहिए ना, आप क्या समझ रहे हैं, आपके पाप काटने भगवान आएंगे। धोखे में मत बिताओ जीवन को आप, कौन से देवी देवती आकर के काट देंगे आपके पाप कर्म को, आप कर्म करते हैं खुद और खुद ही भोगते हैं और आपको फल मिलता है। मैं एक और कहानी बताऊं, शायद समझ में आए ये बात। एक राजा अपने तीन मंत्रियों को अपने पास बुलाया और उनको आदेश क्या करते हैं वो राजा कि चले जाओ बाग में और वहां बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं, बड़े बड़े थैले ले लो और उसमें सुंदर स्वादिष्ट मीठे फल ताजा ताजा भर के ले आना, और बड़े थैले होना चाहिए, बड़े बड़े थैले होने चाहिए। तीनों मंत्री गए, एक मंत्री ने बहुत मेहनत की, पूरे बाग को ढूंढा, ताजा सुंदर स्वास्थ्य और मीठा फल, बढ़िया बढ़िया फल को चुना, मेहनत बहुत लगी उसने और अपने थैले को पैक कर लिया। दूसरे मंत्री ने क्या सोचा, राजा साहब क्या प्रत्येक फल को अलग अलग देखेंगे कैसा है कैसा है, नहीं। उसने कहा थैला फलों से भरना चाहिए बस। उसने क्या किया, कुछ जो इधर उधर गिरे हुए थे फल, सड़े गले कच्चे, सारे फल को डाला और कुछ ताजे फल, कुछ अच्छे फल, तो सब मिला करके उसने थैले को पैक कर लिया, थैला भर गया। तीसरे ने क्या सोचा, क्या राजा साहब थैला खोल कर देखेंगे, क्या समझेंगे थैला भरा है बस, उसे क्या मतलब इतना बड़ा वो थैला देखने फुर्सत है। उसने क्या किया, जो घास फूस थी ना और जो पत्तियां सूखी हुई थी सबको बटोर करके थैले में ठूस दिया। अगले दिन राजा ने कहा कि उन तीनों को बुलाओ और तीनों को थैला के साथ आना हुआ। राजा ने सचमुच किसी का थैला नहीं देखा है, बात तो सच है, और आदेश दिया तुम तीनों को एक एक महीना का कारावास जेल भेजा जा रहा है, तुम तीनों को सबके लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं और तुम तीनों को महीना भर वहीं रहना है, जेल है, और खाने के लिए वही जो थैले में भर के लाए हो।
अच्छा कुछ समझ में आ गया लगता है। क्या हुआ? जो ताजा ताजा फल भर के लाया था कितना स्वस्थ हो गया उस महीना भर में, क्योंकि ताजा और स्वस्थ फल भरा था ना, वो मीठे फल भरे थे। दूसरा सड़ा गला कच्चा, अब कुछ ताजा फल, वो भी उसी में काम चलाता रहा, मरा तो नहीं लेकिन बीमार पड़ गया अंत में। अच्छा तीसरे वाले क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा? मर गया, सही कहते हैं, मर गया वो। तो उसको मारने वाला कोई राजा था? कौन था? उसके अपने। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अपने कर्म। आप पाप करके उसे कटवा नहीं सकते, कोई काटने वाला। अच्छा आप नदी में जाओगे तो कट जाएगा? जाते भी मैं जानता हूँ, हम लोग प्रयागराज में और हरिद्वार में कई कुंभों में रहे हैं, हमारे सब साथी जानते हैं, जितने लोग हैं सब जानते हैं। आप लोग भी गए होंगे कभी कुंभ मेला, देखो हमारा कैंप लगा और वहां सबको रहने बसने की व्यवस्था हुई, खाने पीने की व्यवस्था हुई, प्रवचन पंडाल बना। और लोग जिस दिन तिथि होती थी ना, उस तिथि में आते थे, बहुत भीड़ आती थी। अच्छा मांग मेला भी लगता, मैं तो कितनी बार गया वहाँ मेला क्षेत्र में, और ऐसी भीड़ जैसे आप लोग बैठे हैं वैसी सत्संग सुनने बैठे रहते थे। मैं पूछता था, कई बार पूछा इस चीज को, अच्छा आप लोग गंगा नहाने आए हैं, क्यों नहाने आए हैं? अच्छा गंगा में किनारे लिखा भी रहता है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति ही, आपके दर्शन से मुक्ति होती है, गंगा में पाप धुलता है, पाप इसलिए लिखे थे पाप धो मैल मत धो, तो साफ है आप पाप धोने आए हैं। गंगा नहाने का मतलब पाप धोने आए हैं। फिर एक प्रश्न करता हूं, शायद वो प्रश्न आप लोगों के लिए भी हो, पाप तन में है कि मन में है? जरा बताओ, पाप तन में है कि मन में है? समझ में आ रहा है? मन में है, सही है ना? अच्छा गंगा नहाने से तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? तन की धुलाई, गंगा नहाने से धुलाई हो जाएगी पाप की? सोचो तो सही, कुछ तो दिमाग की खिड़की खोलो। और इसीलिए संतों ने गाया है, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो। कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं, ये जो विचार जाएगा कि सचमुच पाप नहीं करना है। कबीर साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि तीर्थ गए न उबरे जो कोट हीरा देव दान। हिंसा करके तीर्थ जा रहे हो, दान कर रहे हो, गाय दान कर रहे हो, सोना चांदी दान कर रहे हो, कभी ठीक नहीं होने वाला है उससे, कभी पाप कटने वाला नहीं है, पाप कटता नहीं है। पाप कटने का एक ही रास्ता क्या? पाप कर्म छोड़ दो। ये तो बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ जाओ, ये मंत्र पढ़ लो, ये माला फेर लो, ये कर लो, पाप कट जाएगा, ये तो पाप को बढ़ावा देना हुआ। क्योंकि आपको पता है चाहे जितने पाप हो जाएंगे, अमुक मंत्र को जपेंगे पाप कट जाएगा, अमुक गुरु महाराज के पास जाएंगे आशीर्वाद मिलेगा पाप कट जाएगा। आप धोखे में जीवन को न बिताइए, बीत रहा है वैसे ही। किसी ने बहुत सुंदर, कि लोग कहते नहीं जिंदगी बहुत छोटी है, किसी ने कहा जिंदगी छोटी नहीं है, हम जीने की शुरुआत ही देर से करते हैं। जीने की शुरुआत हो गई है, समझ रहे जीने की शुरुआत कैसी होती है? उसको मैंने कहा ना, सोच समझ करके जियो, ना समझी में जीवन जिएंगे तो भटकेंगे ही। और पाप को कटाने के लिए यहाँ वहां उस पंडित के पास में, उद्वा भभूत के उस, आजकल आजकल थोड़ा कम दिखते हैं लेकिन वो ज्योतिषी वाले लोग आते हैं ना, ज्योतिषी पहले भटरी आते थे जी, पता नहीं बातें नहीं आते, मैं जानता हूँ छोटे रहा तो, वो बस फटफट पट कहाँ से पता कर रहे थे, बताते थे। अच्छा कुछ बातें सही भी हो जाती थी और भ्रम होता था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्योतिषी क्या अपना ज्योतिष जानता है वो? आप सोचो जरा से, चर चर पैसे के लिए बेचारा भटक रहा है और आपको ज्योतिष भविष्य बता रहा है, भविष्य वक्ता है आप नहीं। एक कोई तीर्थ के किनारे एक पिंजरा में छोटा सा पक्षी, कभी देखे होंगे, और वहां पोथी छोटी छोटी रख करके बैठे रहते हैं, कभी करवाए होंगे आप लोग? करवा लेना ना भाई, मैं रोकूंगा नहीं, करवा लेना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत देर तक बैठा रहा, करीब दिन के बैठे थे, सुबह से डेढ़ दो बज गए, कोई ग्राहक नहीं आया, बड़ा हैरान हुआ। तो उस पक्षी से उसने कहा का, मेरा ही भाग्य बता दो, मेरा भविष्य क्या है? एक पोथी निकाला और उसको दिया, और पोथी के जैसे ही पन्ना खुला उसमें क्या लिखा था? ये बदमाशी का धंधा बंद कर दो। वो पक्षी को एक चाटा लगाता है, क्या है ये धोखे में? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास,
जो जही मत का लोभिया तही घर ठक्को बास। 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये का 50 रुपये 100 रुपया आते ठगने वाले, और बहुत लोग ठगा ही जाते हैं। ऐसे ही मंत्र तंत्र वाले लोग ठगने वाले आते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसकी यो हो गया, बीमार हो गया, वहां गए, वो वहां डाले पानी, वो किए। क्यों जीवन को बर्बाद करते हो? एक ही काम करना है, पवित्र कर्मों को शुरू कर दो। बस मन को सुंदर रखो, वाणी को सुंदर रखो, आचरण को सुंदर रखो, कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। आप यदि सही जीवन जिएंगे तो मैं कहता हूं कोई परमात्मा दुश्मन है क्या आपका? कोई देवी देवता दुश्मन है? अभी तो कुछ दिन पहले ही अभी बीता है ना नवरात्र, दुर्गा मैया को मनाया है बहुत, उसके पहले गणेश की पूजा हुई थी, कोई बात नहीं पूजा किए और उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, तुमेव माता चा पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, जगदम्बा पूछे ना जगदम्बा। अरे जो एक मक्खी भी पैदा नहीं करती उसको आप कह रहे हैं जगदम्बा है? और इस जितनी माताएं बैठी सबको पैदा करने वाली कभी हाथ जोड़कर प्रणाम किए? असली जगदम्बा के तिरस्कार करते हैं, अवमानना है, अपमान है, और नकली जगदम्बा उसकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं। और मुझे तो कई बार बोलने में भी संकोच लगता है, जब उसका विसर्जन होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, चाहे वो गणपति का विसर्जन कर रहे हैं, उस दिन देख लो दृश्य। मैं था वहां खरोरा के पास में एक गांव में, मैंने एक गणेश का विसर्जन हो गया था, लेकिन जब गया तो कहा भाई गणपति बैठे, ये कब विसर्जित होने वाले हैं, ये हमारे भगवान जी तो बैठे। कहे साहब कई गणेश बैठे थे, आज डीजे खाली नहीं है, डीजे खाली नहीं है क्योंकि एक ही डीजे है इधर, ये जब डीजे खाली हो जाएगा तब इसको ले जाएंगे विसर्जित करने के लिए। अच्छा आजकल बड़े डीजे प्रेमी होगी गणपति जी भी, कमाल है ना। फिर बताए बाजू में जगह है खरोरा, कहे साहब कल वहां विसर्जन होना है, करीब इस डीजे को लेकर के 125 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है। आश्चर्य दुर्गा को किए, कैसे होगा इससे? आपको लगता है पाप काट देंगे? कोई पाप काटने वाला नहीं है, आप कहीं जाओ ही मत पाप कटवाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्या होगा मैं बता देता हूं अभी से क्या होगा। एक विद्यार्थी था, पढ़ने के नाम से शहर गया था, एक कमरा लेकर के वो रहा करता था, भोजन पानी बनाता था, खाता पीता था, विद्यालय जाके पढ़ा करता था। एक दिन सुबह का वक्त था, विद्यार्थी सोया ही था और एक भयंकर आदमी वो आ गया खटखटा करके, उठो। देखा बहुत विचित्र, काला काला, बड़ी बड़ी मूंछे, हाथ में रस्सा लिया हुआ, कौन है भाई आप? उसने कहा मैं यमराज हूं। अच्छा अच्छा क्यों आए आप यमराज हैं? तो देखो मेरे पास एक सूची है, यमराज का दूत हुआ था, यमराज का दूत है, यमराज ने ये सूची जारी की है, और आज आज जिन लोगों को यहाँ से जाना है प्रस्थान करने, महाप्रस्थान करने, जिसकी मृत्यु है वो सबकी सूची है, पहला नंबर आपका है, सूची में पहला नंबर आपका है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तैयार हो जाओ चलने के लिए। उसने कहा मैं तो तैयार नहीं हूँ, नहीं क्योंकि सूची में इतना है, चलना ही पड़ेगा मेरे साथ और मृत्यु का समय है। उसने कहा तो कहा अच्छा ठीक है, अब चुटकी चलना ही है, तो काम करते हैं, चाय पी लें क्या? सुबह सुबह चाय पी लेते हैं यमराज, ठीक है चाय हो जाए, क्या दिक्कत है? वो भी कहा चाय पी लेते हैं। अब गया लड़का किचन में जहां वो अपना स्टोव वगैरह रख रहा होगा, चाय बनाया और चाय बना करके 2 कप में डाला, बिल्कुल बढ़िया से टेस्टी चाय बनाया, और जो यमराज वाला कप था ना उसमें उसे नींद की गोली डाल दी, नींद की गोली डाल दी। यमराज को सर्व के लीजिए साहब पीजिए, वो पिया और पिया, खुद दोनों पी रहे हैं चाय, और जब चाय पिए तो जब नींद की गोली का असर आया, अमरयाज थोड़ी देर में खूब गहरी नींद में चला गया। अब समझ रहे हैं गहरी नींद बहुत, अब नाक भी बजी होगी, यमराज बड़ा पेट वाला रहा होगा जैसा भी रहा, अब वो गहरी नींद में खर्राटे भरने लग गए। ये लड़का क्या कि सूची को निकाला, ऊपर से काटा और सबसे नीचे लिख दिया, कम से कम दूसरे मेरा बाद में नंबर लगे, ऊपर से काटा और नीचे लिख दिया। कुछ देर तक वो सोया रहा यमराज, और जब नींद खुली और कहा वाह क्या बात है बेटा, तुमने बहुत बढ़िया सत्कार किया है मेरा, आज बहुत सत्कार किया है, और मैं सच बहुत दिनों के बाद सो पाया हूँ, बड़ा रिलैक्स लगा, और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, और इतना खुश हूँ, और इसके नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ करने वाला हूँ, ऊपर से शुरू नहीं करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा। सूची कटवाएंगे आप? नाम कटवाएंगे? कहीं जाओगे?
कहां ही कबीर कहां जइहो भाग चारों ओरिया लागी आग। आपन कर्म न मेटो जाई कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे जो यु कोटि सिराई। पढ़ लो पूरा पद, अभी अवसर नहीं मुझे कहने का। राम को अपने कर्म फल भोगना पड़ा, कृष्ण को अपने कर्म फल भोगना पड़ा, किसको नहीं भोगना पड़ा। कबीर साहब ने एक बात कही है, पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी। ये पंक्ति आई है बीजक में। हाँ, एक सच बात बताऊं, सच तो सब समय मेरे बताने से नहीं होगा। जो शंकर और पार्वती है ना, उनके बेटे आप किसको मानते हैं आप बताएं? स्वामी कार्तिकेय और गणेश। अच्छा ईमानदारी से बनाओ, गणेश उनके पुत्र हैं, समझ रहे हैं ना? वो कहाँ पैदा, कब पैदा, कैसे हुई थी? वो नहा रही थी, जैसा हमने सुना आज तक के, आप लोग भी शायद सुने होंगे। और शरीर से इतना मैल निकला, इतना मैल, समझ रहे हैं ना? पता नहीं कब से नहीं रहेगी तो वही जाने। और वो गणेश बन गया इतना बड़ा, और उसमें प्राण भी फूंक देते हैं, वो तो बड़ा गजब है, नहीं है? प्राण भी फूंक दिए। अच्छा प्राण फूंक दिए, उसके बाद क्या हुआ? उसको चौकीदार, देखो बेटा तुम यहाँ रहना, मैं यहाँ रहूंगी, कोई आएगा तो रोकना उसको, अथराइज लोगों को अंदर एंट्री, नो एंट्री। उसने कहा ठीक है, वो बड़े मुस्तैदी कर रहा था, शंकर की तपस्या पूरी हुई, वो आए अपने घर, और उसको पता ही नहीं था कि भाई ये किसी का बेटा है, क्या है। अब पति वहां है, बेटा कहां से हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा वो 12 साल तक बाहर रहेगा तो बेटा कहां से आ जाएगा भाई? तो बनाया अपने मैल से बनाई थी वो, और वो खड़ा है। उसने कहा नहीं जा सकते। अरे मेरे को रोकने वाला कौन मेरे घर में? अरे नहीं जा सकते बिना अनुमति के। लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होगी तब समझना चाहिए छोटे, आप तो भाई सब कुछ जानने वाले हैं ना। अब गला काट दिया, क्या बताएं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। छोटे बच्चे का गला काटना कितनी बड़ी गलती है ये। अब वो बाहर आ गई, वो मेरे बेटे को मार दिए, ये रोने लगी। अरे मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा बेटा है ये। अच्छा वो मर गए, अब क्या करूं? नहीं इसको जिंदा करो। अच्छा ठीक है जिंदा करो। तो जिंदा करने का उपाय क्या होना चाहिए? जब सिर कटा तो सिर तो वही रखा है ना कटा हुआ, उसको लाख जोड़ देना चाहिए। अब किसने अपने देव किसी भेज, फिर वही जो भूतगण को भेजे होंगे, कुछ शराब और पिए रहे होंगे। अब वो एक हाथी के छोटे बच्चे के सिर को काट डाले, एक हत्या यहाँ वहां, अब उसको लाके फिट किए। कुछ समझ में आता है? समझ में आता है कि नहीं आता? अरे भाई वहां उसका सिर रखा है, उसको जोड़ना सरल है कि हाथी के सिर को फिट करना सरल है? उसका पुत्र नहीं है। अब स्वामी कार्तिकेय भी उसके पुत्र नहीं है। आप इसके लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, लिखा है पुण्य व्रत करने के बावजूद पार्वती का कोख नहीं खुला। और पति कौन? भोलेनाथ। और आप क्यों जा रहे हैं भोलेनाथ के पास में? मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पति चाहिए। अपनी पत्नी को दे नहीं पाए, आपको दे देंगे? क्यों धोखे में रहते हो? क्यों धोखे में हो? बिल्कुल संभव नहीं है। एक ही काम, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को, आप अपने कर्मों को सुधारो। कर्म को सुधारने का मतलब क्या हुआ? बस यही, आपको जीवन बदलना है, खुद के जीवन को बदलो। और खुद के जीवन को बदलने के लिए आपको घर नहीं बदलना है, आपको कपड़े नहीं बदलना है, आपको गांव नहीं बदलना है, आपको पत्नी बच्चे भी नहीं बदलना है, समझ गए? कुछ भी नहीं बदलना। किसको बदलना है? खुद को। अच्छा खुद को बदलने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं पार्लर में चले गए और चेहरा बदल लिए, थोड़ा से ब्यूटी कर लिए, अरे वो बदलना नहीं है। खुद को बदलने का मतलब है आप अपने विचारों को बदलो, सोच को बदलो। यही तो साधन है कर्म करने के, मन वाणी कर्म, मन वाणी और इंद्रियां, यही तो है। जैसा बीज बोगे वही आप फसल काटोगे, ये गोस्वामी जी भी कहते, कबीर साहब तो कही है पूरा पूरा। मैं गोस्वामी जी के उनके दोहा उदाहरण में देता हूँ आपको। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। ध्यान दीजिए पंक्तियों पर, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लुवे निदान। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। उन्होंने क्या कहा? तुलसी यह तन हमारा शरीर खेत है, क्षेत्र जिसे कहते क्षेत्र, ये खेत है। अच्छा किसान कौन है? मन वच कर्म, अर्थात आपका मन, आपकी वाणी और आपकी इंद्रियां, यही किसान है, ये किसानी करते हैं। बीज क्या क्या है? बीज है पाप और पुण्य, बोवे सो लुवे निदान।
आप पाप का बीज बोएंगे तो पाप की फसल काटेंगे, पुण्य का बीज बोएंगे पुण्य की फसल काटेंगे। कैसे बोते हैं? जब आपके मन में पवित्र विचार आते हैं, अपना भला दूसरों का भला, दूसरों को भी सुख मिले, जो आप अपने लिए चाहते हैं वह आप दूसरों के लिए भी चाहो, जो आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरा ऐसा हो, मेरा स्वास्थ्य सुंदर हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरी समृद्धि हो, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मेरे पास धन आए, मेरा मन शांत, ये तो चाहते हैं, दूसरों के लिए भी चाहो। बस ये एक तरीका है, दूसरों के लिए भी चाहो, और आपके शब्द भी ऐसे निकले, शब्द भी जो मीठा हो, मधुर हो, प्रेमपूर्ण हो, ये क्या है। और आपके कर्म भी, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आप अपने अपना अच्छा काम करो, अपने लिए फायदे के लिए करो, दूसरों के भी फायदे के लिए करो, अर्थात यदि फायदे के लिए न भी कर पाओ तो दूसरों का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखो। दूसरों का, दूसरों को तकलीफ न हो आपके द्वारा, दूसरों का अपमान न हो आपके द्वारा, दूसरों का धन हरण न हो, किसी भांति मेरे द्वारा दूसरों को कोई तकलीफ न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखना, और हो सके उनको लाभ पहुंचे, उनको आनंद आए, आपके सानिध्य से दूसरों को आनंद मिल सके, आपके सानिध्य से दूसरे के जलता हुआ मन शीतल हो सके, आपके पास बैठने से उनको सकून मिल सके। आपको क्या करना है? ये काम, चाहे आप शब्दों के माध्यम से, इसके माध्यम से, या फिर विचारों के माध्यम से, ये जो करते हैं ना, ये पुण्य है, ये पुण्य है। और इसके उल्टा भी सच है, जब आपके मन में कड़वाहट, नफरत और द्वेष के, घृणा के गलत विचार आते हैं, जिसके हम दुश्मन मान लेते हैं ना, उसके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनके घर में आग लग जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, वो ये हो जाए, आपको पता है, आप यहां सोच रहे हैं, यहां, और वो भीतर आएगा, मैं सच बताता हूँ, वो आपके भीतर गिर रहा है। आप अच्छा, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको नहीं पता कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है, और आप जो सोच रहे हैं ना, वो आपके लिए बीज बन रहा है, बीज। अच्छा, सोचते ही नहीं है, बोलते भी हैं, माताओं से पूछ लो, बोलते भी हैं, बोलते हैं। अच्छा बोलूं आप लोग की भाषा में, क्षमा करना, कहते कि नहीं कहते हैं, खटिया रेंगे, रोना पड़े, कहते हैं ना, आगे लगे, अच्छा बोलते कि नहीं, अच्छा केवल मन में नहीं है, शब्दों से भी बोल रहे हैं, सही है, यहाँ तक कहेंगे मुर्दा रहेंगे, कितनी अच्छी बात है कि मुर्दा रेंग ही जाए, वो जिंदा हो जाए बेचारा, ये बद्दुआ जितना दोगे ना, वो वापस लौट के आने वाली है। फिर से कह रहा हूँ, बोया पेड़ बबूल का, वो बबूल है, वो कांटा है, कांटा बो रहे हो, कांटा सुधारो इसको, कोई देवी देवता आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आने वाला है। आप पूजा पाठ करके, तीर्थों में जा करके, नदियों में स्नान करके जीवन को नहीं बदल सकते, जीवन इससे नहीं बदलता है, जीवन बदलता है आपके बदलने से, आप बदलेंगे। ये सुने होंगे ना पंक्ति, हम बदलेंगे, सुने बहुत हैं, याद सबको है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये किसका ज्ञान है? ओठ का। अच्छा करते क्या है, मैं बता दूं क्या मन में क्या होता है, एक कम से कम घर वाले तो सुधर जाता, ये घर वाले ठीक हो जाती, ये घर के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप प्रगति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपको खुद को बदलना है, खुद को ऐसे विचार लाना है, और वो जो है पुण्य काम, गलत चिंतन छोड़ दो, गलत शब्द बोलना छोड़ दो, गलत व्यवहार करना छोड़ दो, यही तो है, नहीं तो फिर गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, ये पाप है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोवै सो लुवै निदान, जीवन आपको बदलना है, आप और कहीं से भी, अच्छा कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, बड़ा अद्भुत है, नहीं एनी टाइम, कभी भी आप अपने जीवन में यू टर्न ला सकते हैं, जिस दिन मन में हुआ बस अब ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है, अब थोड़ा नए ढंग से जीना है। सत्संग में आने का अर्थ यही है, आप जब सत्संग इस हाल में, इस कक्ष में, इस पंडाल में जब आप प्रवेश किए, उस समय जो आप थे, जब आप यहां से लौटे, तो आप कुछ नया इंसान बन के जाएं, पुनर्जन्म,
नया जीवन लेकर के जाएं। इसका मतलब है नए विचारों के को लेकर के प्रस्थान करें, नए शब्दों को लेकर प्रस्थान करें, नए व्यवहार को लेकर के प्रस्थान करें, अपने जीवन की दशा को बदलें। और दशा दिशा को बदलने से होगी। आपका मन सही दिशा में सोचे, आपके शब्द सही दिशा में बोले, आपके व्यवहार सही दिशा में हो, और जैसे दिशा में परिवर्तन होगा दशा बदल जाएगी। गुरुदेव जी कहा करते थे, कहा क्या सच है, वो उल्टा का उल्टा सच होता है, होता है ना, उल्टा का उल्टा सीधा होता है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। अभी तक उल्टा चल रहे थे, विचार में संयम, बोलना संयम, करना संयम, अब उससे उल्टा कर दो सीधा हो जाएगा बस, और आपके जीवन बदलता चला जाएगा, व्यवहार भी पवित्र होगा, मधुरता आपस में आएगी, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं, बहाना नहीं चलेगा। मैंने कहा ना 100% जिम्मेदार, 100% का मतलब जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं। आप कहेंगे 34% में भी तो पास हो जाते हैं, 60 में तो फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, आपको असली बात बताते तो 90 से 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा, कितना चाहिए 100%। मैं जिम्मेदार हूँ। आप बहाना नहीं बनाते, आप सुधार करते, नहीं मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है। और जिस दिन आपने काम किया जीवन थोड़ा अप होने लग जाएगा उसी दिन से। इसलिए जीवन बहुत सुनहला मिला हुआ है, बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसको सुंदर ढंग से जिएं, जीवन को सही बनाएं, सही रिजल्ट पाएं। रोज आनंद का अनुभव करो ना, रोज शांति का अनुभव करो, हर समय प्रेम का अनुभव करो, क्या दिक्कत है उसमें। प्रेम के विषय में तो शाम को बोलूंगा। हमारी गृहस्थी सुखद कैसे हो, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, रिश्तों में मधुरता, थोड़े में कहूं तो रिश्तों में नई रोशनी, इस विषय पर मैं शाम को बोलूंगा। जिनको आना हो आना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, रिश्तों पर बोलना है मुझे शाम को। अभी तो केवल जीवन के बारे में बोला और काफी देर हो गई है, इतना ही समय अपनी वाणी को विराम देता हूँ।